अच्छा क्वेश्चन है, यूरिन शुगर या ब्लड शुगर? आपका ये क्वेश्चन है कि पहले ब्लड में आएगी या यूरिन में आएगी? यूरिन शुगर नॉर्मली आजकल हम इसको ऑब्सोलीट कर चुके हैं। यूरिन शुगर आने का ये मतलब नहीं है कि आपको शुगर के मरीज हैं, पहली बात तो ये। इसलिए यूरिन में हम ज़्यादातर शुगर का प्रयोग आजकल नहीं करते, कि यूरिन शुगर पहले करते थे, लेकिन अब ब्लड में सबसे पहले होती है। ब्लड से ही छन के, ब्लड किडनी से छनता है जब, तो शुगर आती है उसमें। जब 180 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाता है ब्लड में शुगर, तब आपके यूरिन में शुगर आएगी। तो इसका मतलब यह हुआ, जो पेशेंट 100 कंट्रोल्ड हैं और यूरिन में शुगर नहीं आ रही, तो उनको शुगर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यूरिन शुगर का महत्व बहुत कम हो गया है, ब्लड शुगर में सबसे पहले आती है। ब्लड शुगर की मात्रा से ही हम कंट्रोल करते हैं। अब आजकल की जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करता हूँ, वो सिर्फ ब्लड शुगर को मानता है, यूरिन शुगर को नहीं मानते।